तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज रिलेटेड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मेनली मैं प्रीलिम्स रिलेटेड डिस्कस नहीं कर रहा, जीएस मेंस रिलेटेड डिस्कस कर रहा, और कि आपका टेस्ट सीरीज आपको कब ज्वाइन करनी चाहिए और फिर टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो और किस टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए, बिफोर प्रीलिम्स आफ्टर प्रीलिम्स, और फिर आंसर राइटिंग के एंगल से कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप विद दैट नॉलेज, जितना नॉलेज आपके पास है उससे आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाएँ किसी भी पर्टिकुलर आंसर में। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज के एंगल से डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जब आप भी आंसर राइटिंग का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में, कि आप जीएस में कुछ भी आंसर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके आंसर में कंटेंट तो होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने क्लियरली लिख रखा है कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेंथ। तो कंटेंट का तो इंपॉर्टेंस है ही, और कंटेंट आपका तभी आएगा जब आपने पढ़ाई अच्छी से की है, काफ़ी कंप्रेहेंसिव वे में की, आपने नोट्स बनाया है, नोट्स को बार बार रिवाइज किया है, आप करंट अफेयर्स से अपडेट कर रहे हैं अपने नोट्स को, तो ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन जितना भी आप कर रहे हैं उस चीज़ को आप ऑन पेपर कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये रोल होता है आपके आंसर राइटिंग स्किल्स का। तो जब भी आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो वेरियस आप चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं बकायदा ऑन यूपीएससी टाइप फॉर्मेट पेपर जिसमें दोनों साइड में मार्जिन है। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा आप ऑन ए डेली बेसिस आप आंसर लिख सकते हैं, 2 से 3 सवाल ऑन ए डेली बेसिस लिख सकते हैं, वो सवाल में भी आप किसी नेट पे भी काफ़ी टेस्ट सीरीज मिल जाती है वहाँ से उठा सकते हैं, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे आईएएस बाबा, फोरम आईएएस इनसाइट्स, आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। अब जैसे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब आपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप करते जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने गवर्नेंस का अगर टॉपिक उठाया, आपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस दैट इज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, ये सब आपने अगर प्रिपेयर कर लिया तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट करें, और फिर वहाँ पे फिर ट्राई करें कि आपका आप जो आंसर लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, किस क्वालिटी का लिख रहे हैं, कंटेंट कैसा है, या फिर कंटेंट के अलावा स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप मॉडल आंसर से आप कंपेयर कर सकते हैं, मॉडल आंसर आपको वेरियस कोचिंग के द्वारा भी मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। मैं अरिहंत से कंपेयर करता था, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी के जीएस मेंस के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व होते, तो वहाँ पे भी काफ़ी कंटेंट मिल जाता था, मेरे को कंटेंट वहाँ पे बेस्ट मिला था तो मैं वहाँ से कंपेयर करता था। उसके अलावा स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन मैं अपने एंगल से देख लेता था। ये तो बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथ में आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज अगर आप लेट से हो सकता है मे बी ऑफ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ऑन ए डेली बेसिस 3 से 4 सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, डैट विल ऑल्सो सफाइस। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर सकते हैं देन डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, प्रीलिम्स के एंगल से ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेंस के एंगल से आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली डैट विल हेल्प यू अलॉट। और उसके अलावा आपको कब ज्वाइन करनी चाहिए, जब भी आपने अगर जीएस मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नोट्स कंप्लीट बना लिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये काम तो आपका प्रीलिम्स से पहले तो हो ही जाना चाहिए, तो प्रीलिम्स के बाद तो डेफिनेटली आपको करना ही है, लेकिन अगर आपने काम ये पहले कर लिया है, नोट्स वगैरह जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का आपने प्रीलिम्स से पहले ही बना लिया, तो आप प्रीलिम्स से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हैम्पर नहीं हो बिकॉज ऑफ मेंस टेस्ट सीरीज। उसके अलावा जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ चीज़ें देख लें कि किस क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ चेकिंग कैसे चल रही है, आंसर फॉर्मेट जो मिलता है वो कितना क्वालिटेटिव है, साथ में वीडियो वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, डिस्कशन वीडियो, ये सब अगर चीज़ें आप देख लेंगे उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए। मैंने जीएस स्कोर और विजन आईएएस ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज के लिए, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आपको भी दिल्ली आने की पर्टिकुलरली कोई ज़रूरत भी नहीं है। और फिर टेस्ट सीरीज में होता क्या है कि आप टेस्ट देंगे, उसके बाद ऑन द स्पॉट आपको आंसर फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद आपकी चेक्ड आंसर कॉपी भी आ जाती है जिसमें वेरियस फीडबैक होता है, साथ में आपको एक वीडियो भी मिल जाता है। अब होता क्या है कि आपको आंसर फॉर्मेट तो शायद तुरंत मिल जाएगा, लेकिन जो चेक होके आएगी और जो वीडियो आपको मिलेगा वो 10 या 15 दिन बाद मिलता है। तो मैं क्या करता था, जो भी टेस्ट जब भी स्केड्यूल्ड होता था उसके 10 या 15 दिन बाद ही मैं पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर टेस्ट को देने जाता था। होता क्या था कि जैसे मैंने संडे को टेस्ट दिया, 3 घंटे मैं टेस्ट दे के आया, उसके बाद मेरे पास आंसर फॉर्मेट है, मेरे पास अपनी जो कॉपी जो मैंने वहाँ पे जो आंसर लिखा है वो भी मेरे को तुरंत याद होगा, क्योंकि 2-3 दिन के बाद मैं भी भूल जाऊंगा मैंने क्या लिखा है, अभी मेरे को तुरंत याद होगा मैंने क्या लिखा है, आंसर फॉर्मेट मेरे पास है, वो जो डिस्कशन वीडियो वो भी मेरे पास है, तो मैं सब कुछ एक साथ फिर टैली करूंगा और फिर एनालाइज करूंगा मैंने जो आंसर लिखा उसमें फर्दर मैं कंटेंट कैसे इनरिच कर सकता था, स्ट्रक्चर या प्रेजेंटेशन कैसे मैं इनहांस कर सकता था।
अब कुछ लोग ऑन ए डेली बेसिस भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी काफी इफेक्टिव है, काफी प्लेटफॉर्म्स है वहां से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, होता क्या है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे इनसाइट में भी क्या होता है, कुछ कुछ सवाल इफेक्टिव होते हैं, कुछ कुछ सवाल क्या होगा कि आज जैसे एजुकेशन और कोविड 19 से रिलेटेड एक आर्टिकल आ गया, अब यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि कोविड 19 का एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यूपीएससी कभी नहीं पूछ रहा, इतने छोटे से सवाल यूपीएससी कभी नहीं पूछता, यूपीएससी काफी कंप्रेहेंसिव वे में पूछेगा। मे बी आप ये पूछा जा सकता है कि कोविड 19 का ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे क्या असर पड़ेगा या गवर्नमेंट को क्या सीखना पड़ेगा फ्रॉम दिस एपिडेमिक, एक काफी कंप्रेहेंसिव सा क्वेश्चन होगा। तो उस केस में क्या है कि अब एक ही आर्टिकल आता है, वो एक सिंगुलर पॉइंट पे आता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आता है। आपको जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो आंसर जो लिखना होता है उसमें काफी कंप्रेहेंसिव लिखना होता है, वेरियस पॉइंट से लिखना होता है, वेरियस एंगल से आपको कवर करके आंसर लिखना पड़ता है। तो जो वैसे सवाल हो जो काफी कंप्रेहेंसिव हो, जिस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है वैसे ही सवाल आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे सवाल अटेम्प्ट करते हैं जो एक ही एडिटोरियल पे बेस्ड हो तो फिर वो इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी वैसे सवाल नहीं पूछेगा। भले आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सही से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, वो डेफिनेटली इंश्योर हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन लिखने का कोई रोल नहीं रहेगा। अगर आप ये लिख रहे हैं कि कोविड 19 के चलते गवर्नेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा या गवर्नेंस में क्या क्या चेंजेस की जरूरत है आफ्टर दिस एपिसोड ऑफ कोविड 19, तो शायद ये सवाल मे भी यूपीएससी पूछ भी ले, क्योंकि थोड़ा ये कंप्रेहेंसिव सा सवाल है। लेकिन काफी एक सिंगुलर एस्पेक्ट पे, एक सिंगुलर फ्रेमवर्क पे यूपीएससी कभी पूछता नहीं है, तो वैसे सवाल आप प्रैक्टिस ना करें। मेरा बोलने का मतलब है कि जो सवाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सब डेली प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस की क्वालिटी को देख लें, उसके बाद ही वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप आंसर करें। तो बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में आप वेरियस पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है, जैसे हिस्ट्री का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर कांग्रेस का फॉर्मेशन, तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे आप खुद भी सवाल बना सकते हैं, फिर उसको आंसर करें और फिर फर्दर आप क्रॉस चेक करें कि आप सही से इलैबोरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो खुद भी आप सवाल जनरेट कर सकते हैं, डेली जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पे कुछ अच्छे सवाल है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब वेरियस एरियाज है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं कुछ कुछ डाउट क्लियर करूंगा जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड आते हैं, कि कब आपको स्टार्ट करना चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक हो जा रही है तो क्या उसका कितनी दिक्कत होगी, या हैंड राइटिंग का क्या रोल है, आपको चार्ट या डायग्राम्स बनाना चाहिए कि नहीं, अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं, हाईलाइटर या कलर पेन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, और साथ में जो मेन एस्पेक्ट होगा कि आंसर राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, इलैबोरेट, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, तो ये सब का क्या रोल होता है, इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, मेन बॉडी कैसे लिख सकते हैं, कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, आंसर को फर्दर इनरीच कैसे कर सकते हैं विद दैट गिवन नॉलेज, तो वो सबको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। अब आपको किस टाइम पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका एक आंसर होगा कि जब आपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लिया, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है फिर आंसर राइटिंग का कोई रोल नहीं रह जाता है, फिर आप लिखेंगे वो जो आप जो लिखेंगे वो जेनरिक आंसर होगा, और जेनरिक आंसर का जेनरिक मार्क्स ही मिलता है, और जेनरिक मार्क्स हर किसी को मिल जाता है, तो कुछ आप स्पेसिफिक चीज वहां पे लिख नहीं पाएंगे। तो किसी आप टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो फिर क्या होगा कि आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपका सब एस्पेक्ट्स आपको दिखते जाएगा कि आप सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको जो पता है वो आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं ऑन पेपर। मे बी आपको लग रहा होगा कि आंसर राइटिंग के बाद आपको लगने लगता है कुछ चीजें जो आपने पढ़ी है वो उसको पेपर पे लाना काफी डिफिकल्ट है, तो वो चीज पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, कुछ चीजें जो आंसर में चाहिए वो आपने शायद पढ़ी नहीं, तो ये सब चीजें तभी आपको समझ में आएंगी जब आपने वो टॉपिक को डिटेल में पढ़ रखा है। तो टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, नोट्स बनाना है, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा जीएस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, वो भी मैं नहीं कर रहा। आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया तो ज्योग्राफी से रिलेटेड कर सकते हैं। तो अब जैसे आपने सेक्शनल आपने टॉपिक्स पढ़ने आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ जो इरेलेवेंट आंसर होते हैं, जेनरिक आंसर्स होते हैं, तो होता क्या है कि उसमें फिर आपको मार्क्स भी जेनरिक मिलते हैं। अब ये सब जो चीजें जैसे ग्रामर मिस्टेक, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक, इसको अवॉइड करना है, कि किसी को भी एलर्जी होती है ये सब चीजें देख के, किसी को मजा नहीं आता अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है और ग्रामर मिस्टेक हो रही है तो भी आपकी कॉपी वो सही से पढ़े, वो फिर वो ऑकवर्डनेस लगती है, वो उसको भी पढ़ने में मजा नहीं आता है, जितना आपने कंटेंट लिखा होगा उसका भी मार्क्स आपको सही से नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी होंगी। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने एंड पे भी मेहनत इस लाइन पे कर सकते हैं। अब हैंड राइटिंग का क्या एपिसोड है, हैंड राइटिंग आपकी बहुत खराब है तो आपको काम करना होगा और बहुत अच्छी होनी भी उतनी जरूरी नहीं है, लेजिबल होनी चाहिए और एक प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए कि दिख के थोड़ा मजा सा आ जाए कि हाँ कॉपी अच्छी है। अगर हैंड राइटिंग एकदम खराब है तो आपको काम करना होगा, और अगर
लेट्स से कि मीडियम लेवल की हैंडराइटिंग है तो आप कुछ प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं, सबटाइटल बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, स्पेसिंग सही कर लिए हैं, कुछ कुछ लेटर्स जो आप खराब लिखते हैं उसको सही कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्सिव बना सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने एंड पे वर्क कर सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, आप क्लास वन या क्लास टू की कोई कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक ला के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, थोड़ी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर ले, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन आप इतना कर रहे हैं दैट मींस कि आपको खुद लगेगा कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। आपकी अगर हैंडराइटिंग खराब है तो बिलीव में आपको जीएस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, अपीयरेंस पे जज किया जाता है, और मेंस में आपका अपीयरेंस, आपकी हैंडराइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन है उस पे आपको जज किया जाएगा। 20 से 25 मार्क्स लूज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी इस एग्जाम में। अगर आपका मार्क्स 400 आ रहा है, आपकी हैंडराइटिंग खराब है, डेट मीन्स कि आप शायद लायक थे 425 या 430 के, आप हैंडराइटिंग की वजह से आपका 20 या 25 नंबर आपका कम हुआ है, और यह कोई भी इंसान करेगा। और दूसरी बात रही चार्ट बनाने की और डायग्राम्स बनाने की, तो चार्ट और डायग्राम्स आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने आंसर को बूस्ट करेंगे। अब यह है कि आपको जबरदस्ती का चार्ट या डायग्राम नहीं बनाना है, अब जबरदस्ती का इंडिया का मैप बना रहे हैं उसमें कुछ अलग सा कुछ चीजें इलस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली दिक्कत वाली बात है। लेकिन हाँ, कुछ उसमें आप एडिशनल मटेरियल आपका रिप्रेजेंट हो रहा है जब भी आप चार्ट या फिर डायग्राम बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि चार्ट डायग्राम्स अगर रिलेवेंट हो तो उसके मार्क्स मिलते हैं, लेकिन केवल चार्ट और डायग्राम बनाने के लिए आपको चार्ट और डायग्राम नहीं बनाना है। मेरे ख्याल से आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। रही बात आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है तो आप कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, क्रिटिकल कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बार पूरा आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना टाइम आपको होता नहीं है। आप लिखे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा, फॉर एग्जांपल आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, आपको ट्राइस पॉलिटिका या मॉन्टेस्क्यू या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल आपको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर लिया ऑन द स्पॉट तो ठीक है, लेकिन आपको आंसर लिखने के बाद आप अंडरलाइन कर रहे हो तो फिर उतना टाइम होता नहीं है। और एक आंसर में मुश्किल से 2 से 3 से ज्यादा अंडरलाइन आप कर रहे हो तो फिर अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। कलर पेन और हाइलाइटर का इस्तेमाल करना आप ऑप्शनल में डिपेंड करता है आपके ऑप्शनल पेपर पे, लेकिन जीएस में उतना टाइम आपके पास नहीं होता है तो आप वहाँ पे साया वे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम मिल जा रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इफेक्टिवली टाइम मिलेगा नहीं, आप कितने भी आप फास्ट राइटर क्यों ना हो। अब रही बात आप आंसर राइटिंग के एंगल से कि आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, ये सब एस्पेक्ट्स पे आपको कैसे वर्क करना है, तो 3 की इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी आंसर राइटिंग का। एक होता है आपका कंटेंट, दूसरा होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा होता है स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो कंटेंट जो आपके आंसर में तभी आएगा जब आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हो और नोट्स बना चुके हो, नहीं तो कंटेंट नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट, कोई कंटेंट नहीं आता ऑन द स्पॉट। आप कितना भी अच्छा सोच लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, ऑन द स्पॉट आप अच्छा आंसर लिख लोगे, ये पॉसिबल नहीं होता इस एग्जाम में। हाँ, आप एक जेनरिक सा आंसर, मतलब एवरेज, अबव एवरेज आंसर लिख सकते हो ऑन द स्पॉट, आपके अगर एनालिटिकल स्किल्स काफी डेवलप हो चुकी है, फास्ट थिंकिंग कर लेते हो, फास्ट राइटिंग कर लेते हो, तो एक स्लाइटली अबव एवरेज आंसर आप प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे आप एवरेज करोगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के साथ स्लाइटली अबव एवरेज कर सकते हो, लेकिन कंटेंट बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप कितने भी अच्छे मास्टर स्किल आपके पास क्यों नहीं आंसर राइटिंग की, तो भी आप काफी मतलब एक अच्छे लेवल का आंसर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि कंटेंट बिफोर हैंड ही प्रिपेयर्ड होता है। कोई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको खुद पता चल जाएगा इसमें आप किस कंटेंट का आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपको कंटेंट बिफोर हैंड होता है, तो वो तो डेफिनेटली आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कितने अच्छे से नोट्स बनाए, रिविजन किया, उस पर डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा कंटेंट लिख लेते हो। रही बात आपके टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट आप स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा। जो सवाल आपको 11 मिनट में लिखना है उसमें आप 16-17 मिनट लगाओगे, धीरे धीरे वो कम होते जाता है, क्योंकि वो एवरी प्रोसेस क्या होता है, वो बायोलॉजिकल होता है, दिमाग में धीरे धीरे होते जाएगा फास्ट थिंकिंग करते जाओगे, स्टार्टिंग में मेंटल ब्लॉकेज होगा कि अब क्या करें क्या नहीं करें, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ, इंट्रोडक्शन में ये लिख सकता हूँ, सब टाइटल ये डालूंगा, यहाँ पांच पॉइंट, कंक्लूजन में ये लिखूंगा, ये डायग्राम बना सकता हूँ, ये 2-3 कीवर्ड डाल दूंगा, इतना फास्ट थिंकिंग आपकी धीरे धीरे होने लगेगी। उस टाइम पे फिर धीरे धीरे आपका टाइम भी कम होते जाएगा, प्रैक्टिस के साथ ही टाइम कम होगा, ऐसे कम नहीं होने वाला है। अब टाइम कम करने में आपको क्या करना होगा, अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से पता है, नोट्स बना हुआ था, प्रिपेयर था, आपने रिवाइज किया हुआ, तो ऐसे ही आपको कम टाइम लगेगा आंसर लिखने में, साथ में आपने प्रैक्टिस ज्यादा की है तो भी आपको कम टाइम लगेगा। अगर आप फास्ट राइटिंग कर लेते हो, थोड़ी सी कर्सिव है, तो आपको ऐसे ही कम टाइम में लिखोगे, कुछ बकवास की चीजें जो आप लिख रहे हो शायद वो नहीं लिखोगे, तो ऐसे ही आप वो चीज नहीं लिख रहे हो, ऐसे भी उसका नंबर नहीं मिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओगे तो ऐसे ही आप कम टाइम में आंसर लिख रहे हो। तो कुछ कुछ चीजें जो आप ऐसे भी सोचोगे तो कुछ कुछ चीजें आप एनालाइज कर लोगे कि जिसमें आप टाइम कम कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, विद प्रैक्टिस वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और ये काफी नॉर्मल है। अगर आपको प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि आप 3 घंटे में वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और पूरा पन्ना भरा हुआ होना चाहिए, 3 पन्ने 2 पन्ने, मतलब टोटल 50 पन्ने आपके 3 घंटे में भर जाने चाहिए। अगर वो लेवल अचीव नहीं हो पाया है तो फिर आपके वो मेंस के लिए एंगल से जीएस में आपकी वो राइटिंग उतनी फास्ट हुई नहीं है, टाइम मैनेजमेंट उतना फास्ट हुआ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ये पॉसिबल है। और तीसरा जो एस्पेक्ट होता है
स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन का, उस पर मैं बात करूंगा। और कंटेक्स्ट भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा गया आपको वही आंसर करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। कुछ टेंजेंशियल एस्पेक्ट आप लिख सकते हो अगर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ रिपोर्ट्स, स्कीम्स, फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सब आप डाल सकते हो डेफिनेटली। और उसके अलावा जो इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, वो एस्पेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस एस्पेक्ट से रिलेटेड मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखने हैं। अब इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, जो भी चीज़ पूछी गई उसको आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सवाल अगर आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है, तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन कर सकते हो, कुछ डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। कभी आप कुछ करंट अफेयर्स का इवेंट को कोट कर सकते हो, अगर स्पीकर का पार्टीशन रोल के ऊपर सवाल आया तो आप कुछ इंसिडेंट्स बता सकते हो, इस स्टेट में अभी न्यूज़ में आया था कि अच्छा स्पीकर ने स्पीकर के पार्टीशन रोल या इम्पार्शियल रोल पे क्वेश्चन रेज किए गए, तो आप कुछ करंट अफेयर्स का न्यूज़ पीस वहाँ डाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली सवाल एक पूछा गया, एक स्टेटमेंट होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है, तो वो स्टेटमेंट से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको एक जो क्वेश्चन पूछा गया जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क है उसी को आंसर करना है, लेकिन इंट्रोडक्शन में जो स्टेटमेंट है उसको आप इलेबोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पूछा यह गया है कि इंडिया हैज वास्ट मेजोरिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन These mineral resources be properly utilized, क्योंकि utilization of resources GS paper 3 में आपका एक सवाल है। तो India has vast natural resources, full stop, how can these mineral resources be utilized? अब India has vast natural resources, तो आप introduction में तीन चार line में आपको थोड़ा ये elaborate करना होगा कि India के पास vast natural resources है। आपको बताना होगा अच्छा यहाँ coal भी मिलता है, या petroleum मिलता है, या फिर various iron, या फिर copper इन इन states से मिलता है, या फिर एक map में आपने दिखा दिया, बस इतना ही हल्का सा, लेकिन ये आपको करना होगा, वो आपके introduction का part हो जाएगा। अब फिर हाउ कैन दिस मिनरल रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज, तो उसमें आपको एक्सप्लोरेशन के बारे में और फिर माइनिंग के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कैसे चेक करें, ये सब एस्पेक्ट्स में, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में, क्रिटिकल मेटल्स के एस्पेक्ट में, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स वगैरह जो मिथेन क्लैटरेट्स या फिर मैंगनीज नॉड्यूल्स जो ओशंस में मिलते हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, वो सब एस्पेक्ट्स आपको कवर करना होगा। वो तो डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो तो मेन बॉडी ऑफ द आंसर हो गया। तो इंट्रोडक्शन में जो स्टेटमेंट है उसको आप इलेबोरेट भी कर सकते हो, या फिर कुछ डेटा फैक्ट्स ये सब भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन का मेन मकसद होता है कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हो, आप बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप स्ट्रेट अवे जब आप फैक्ट्स या फिर फिगर्स आप लिख रहे हो तो एग्जामिनर वही फैक्ट या फिगर पढ़ने के बाद समझ जाता है कि हाँ इसने जो आंसर लिखा होगा ना टू द पॉइंट लिखा होगा, कि जो फैक्ट लिख सकता है राइट इन द इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स कि उसको स्ट्रेट अवे पता है कि उसको क्या लिखना है और उसको चीजें अच्छे से पता है। तो इंट्रोडक्शन में अगर फैक्ट फिगर डाल रहे हो तो ऐसे ही आप अपना आधा एक नंबर या एक नंबर भी आप रेज कर रहे हो, क्योंकि किसी का भी अब अगर मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ डायरेक्टली कि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में अच्छे से नहीं हुआ, आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि अच्छा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पार्लियामेंट में केवल 12% एमपीजी वुमेन है, सोशल एम्पावरमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी 919 आउट ऑफ 1000, या फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वुमेन का वो 23% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि एडवांस OECD कंट्रीज में वो 50% के आसपास होता है। मैं स्ट्रेट अवे फैक्ट्स बोल रहा हूँ, अगर जो भी कोई ये सुनेगा वो अब उसके बाद मैं भी जो बोलूंगा तो वो ध्यान से ही सुनेगा, रीजन बीइंग उसे ये पता होगा कि ये टू द पॉइंट विद ऑब्जेक्टिविटी विद फैक्ट्स बात कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन का ये भी रोल होता है कि आप फैक्ट्स लिख रहे हो तो स्ट्रेट अवे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको अच्छे से पता है। तो ये पार्ट रहा आपके इंट्रोडक्शन का। आप सबटाइटल जितना बनाने की कोशिश करो आप सबटाइटल डालो, उससे क्या होता है अगर दो पार्ट्स है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट है कि एलैबोरेट ऑन द वास्टनेस ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन इंडिया, हाउ कैन दीज मिनरल रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज, तो एक सब टाइटल डालो वास्टनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, एक सब टाइटल डालो प्रॉपर यूटिलाइजेशन या हाउ इट कैन बी डन, और उसके बाद पॉइंट्स लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी आपको लिखना है। तो दो सब टाइटल डाले तो उसके बाद मेरे को देख के क्लियर हो जाएगा, दो पार्ट से आपने दो सब टाइटल डाले डैट मीन्स जो पूछा गया आप वही आंसर किए हैं, और दोनों को स्पेसिफिक पार्ट में हाफ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द आंसर में आप आंसर किए हैं, तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कंटेक्स्ट आपका सही है, और ऐसे भी आप सबटाइटलिंग करोगे कंटेक्स्ट सही हो ही जाता है। उसके अलावा मैं ये टारगेट करता था जितने मार्क्स का सवाल है उतने पॉइंट्स होने चाहिए, अगर 10 मार्क्स का सवाल है पॉइंट वाइज आंसर कर रहे हो तो आपके पेपर पे 10 पॉइंट होने चाहिए, 15 मार्क्स का सवाल है तो आपके पेपर पे 15 पॉइंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 मार्क्स का सवाल है उसके दो पार्ट्स हैं पार्ट वन और पार्ट टू, तो 8-8 पॉइंट या 7-7 पॉइंट दोनों पार्ट्स में होने चाहिए, इफेक्टिवली दोनों को ऐड करके 15 मार्क्स है तो 15 पॉइंट्स भी आपके हो गए। क्योंकि होता ऐसा है कि आप अगर 8 पॉइंट भी लिख रहे हो उसमें 2-3 पॉइंट ऐसा होगा जो एग्जामिनर को लगेगा ठीक है उतना कोई खास नहीं है, अब वो नंबर आपको 4-5 पॉइंट के बेसिस पे देगा, अब ऐसे ही आप 4-5 पॉइंट लिखोगे उसमें 2-3 पसंद नहीं आएगा, 2-3 पॉइंट उसको पसंद आएगा, तो फिर क्या ही नंबर वो देगा। मेरी बात आप अच्छे से समझ पा रहे होगे, तो जितने मार्क्स हैं उतने लगभग आपको ट्राई करना है, उतने पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, तो यहां से आपकी जो क्वांटिटी है वो इंश्योर हो जाएगी।
रही बात क्वालिटी इंश्योर करने की, तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स डालना होगा, फैक्ट्स, ग्राफ्स, स्कीम्स, कमिटी के नाम, रिपोर्ट्स, ये सब आपको कोट करना होगा, वहीं से आपका फिर कंटेंट आता है या कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन में आप अपना व्यू या स्टैंड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा स्टैंड आपको जो देना है वो कंक्रीटाइज होना चाहिए, वो पोलराइज नहीं होना चाहिए, और साथ में आप समराइज भी कर सकते हो या फिर वे फॉरवर्ड भी डाल सकते हो। अब कीवर्ड्स डालने की जरूर कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग बार बार ये पूछते हैं कि सेकंड ईआरसी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप कुछ करो या नहीं करो, बस इतना जान लो कि सेकंड ईआरसी में कौन कौन से चैप्टर हैं। सेकंड ईआरसी में जीएस 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड आपको अगर ये पता होगा कि गवर्नेंस के सारे चैप्टर्स, एनजीओ चाहे एसएचजीओ चाहे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सिटीजन चार्टर सिविल सर्विसेज सब कुछ दिया हुआ है, लोकल सेल गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में दिया है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में नक्सलिज्म और टेररिज्म के बारे में दिया हुआ है, इथिक्स इन गवर्नेंस जीएस 4 में सारा कुछ ईआरसी सेकंड में कवर्ड है। तो आपको केवल अपनी बातें लिखना है, ईआरसी 2 को कोट करना है। आप अगर ये बात कर रहे हो कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट तो ऑलरेडी है लेकिन हाफ, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट लीगलाइज नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स तो है भी नहीं मतलब लीगल फॉर्म में, तो आप ये बात कर रहे हो कि लीगल फॉर्म में कोड ऑफ एथिक्स भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू होल्ड द सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल, ऐसा कहना है ब्रैकेट में ईआरसी सेकंड का, तो आप केवल ये कहो कि होना चाहिए और ये कहो कि ईआरसी सेकंड का कहना है कि होना चाहिए, तो डेफिनेटली ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जब आप ईआरसी 2 के कंधे पर रख के गोली चला रहे हो। मेरी आप कुल बात समझ पा रहे होगे, तो वो सब चीजें कोट करना कि ईआरसी 2 को कहां पे कोट करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, वहां से आपका नंबर निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं बात कर रहा हूं, कुछ सवाल ऐसा पूछा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी चलता है लेकिन और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, तो आप कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करोगे, आप बात करोगे कि ऑलरेडी केवल रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया जाता है लेकिन ज्यादा फोकस प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन पे करना चाहिए, ज्यादा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है लेकिन ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, तो ये सब आप बातें कर रहे हो। लेकिन आप उसी में कहोगे कि एनडीएमए गाइडलाइंस का कहना है, तो ये वही जेनरिक सी बात, सिंडाई फ्रेमवर्क में स्ट्रेस दिया गया है तो इस चीज पे वही जेनरिक सी बात, एआरसी सेकंड का कहना है तो अच्छा प्रिपेयरनेस और मिटिगेशन पे ज्यादा फोकस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, चीज वही लिख रहे हो लेकिन आप किसी कोट, आप किसी को कोट कर रहे हो, किसी रिपोर्ट को या किसी स्टडी को या एआरसी सेकंड को या एनडीएमए गाइडलाइंस को या सिंडाई फ्रेमवर्क को या फिर एनडीएमए सॉरी फिर या फिर आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी को या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को, इसको कोट करके वही जनरिक बात लिख रहे हो तो उसका इंपैक्ट अलग ही पड़ता है। वो काम आपको करना है, वो चीज आप तभी सीखोगे जब आपको कीवर्ड डालना आ जाएगा। अब जितना आप फैक्ट्स, डायग्राम्स, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, स्कीम्स, एग्जाम्पल्स, कमिटी का नाम, बीट ईआरसी सेकंड, बीट नीति आयोग या अब कुछ भी, अब योजना कुरुक्षेत्र से कुछ आपने स्टडी आपने कुछ देखी हो, कुछ भी केस स्टडी उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो इस चीज का नंबर मिलता है, इसी को कंटेंट कहते हैं या फिर इसी को क्वालिटी ऑफ द आंसर आपका यहीं से रिप्रेजेंट होता है। तो ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। और उसके अलावा क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना होगा। अब प्रेजेंटेशन पे वर्क करने में क्या है कि अब जैसे भी कोई भी कॉपी चेक हो रही होती है, होता क्या है कि अब जैसे ये कॉपी है तो मैं अब इसको चेक करना है तो स्टार्टिंग में फर्स्ट आंसर को चेक नहीं करने लगूंगा, पहले नॉर्मल सा कोई भी ह्यूमन क्या करेगा कि पूरे पन्ने को पलटाएगा, पूरी कॉपी की दशा देखेगा, वो ये देख लिया कि आपने 50 के 50 पन्ने भरे हुए हैं, आपने बकायदा सबटाइटल के साथ कंटेक्स्ट के साथ आंसर लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने कहीं कहीं डायग्राम बनाया है, इतना करने के बाद किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, भाई साहब इनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, डायग्राम्स बनाया है, सबटाइटल है, पूरा पन्ना भरा हुआ है, दैट मींस कि एक सीरियस कॉपी है। अब उस एटीट्यूड से जब मैं चेक करूंगा तभी आपके 100+ निकलेंगे, और जो भी सीरियस कॉपी होती है उसमें ये सब एस्पेक्ट्स होता ही होता है, तो सबटाइटल डालना, पूरा पन्ना भरा हुआ होना, हैंडराइटिंग अच्छी होना, स्पेसिंग अच्छा देना, ये सब प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट हुआ, तो इस पे भी आपको काम करना होगा। अब रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे दो पार्ट है तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मेन बॉडी है, फिर कंक्लूजन लिखोगे। अब जब मेन बॉडी पे जो लिखोगे उसमें दो पार्ट है तो एक सबटाइटल होगा, फिर आप फर्स्ट पार्ट को आंसर करोगे, फिर सबटाइटल होगा, फिर आप सेकंड पार्ट को आंसर करोगे, दोनों सब पार्ट्स को आप बराबर वेटेज दोगे, और दोनों सब पार्ट में अगर 15 मार्क्स का सवाल है तो 7.77 पॉइंट्स तो आप लिखोगे ही लिखोगे, और साथ में आप पॉइंट हेडिंग भी डाल सकते हो कि अच्छा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है उसको रोका जा सके, कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए अर्थक्वेक से रिलेटेड, या फिर एनडीएमए की क्या क्या गाइडलाइंस है अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो कुछ आप ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हो कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में क्या क्या लिया जाना चाहिए, तो एम्बैंकमेंट बनाना है, तो डैम बनाना है, तो जो भी चीजें हैं
और नॉन स्ट्रक्चरल चीज़ें में तो आपको क्या क्या करना है, तो ऑलरेडी बिल्डिंग कोड्स होंगे तो उसको सही से इंप्लीमेंट करना है, अर्ली वार्निंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स पे आप लिखोगे। तो एक स्ट्रक्चर भी अगर है, फॉर एग्जांपल नेचुरल कॉजेज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या कॉजेज है, तो डायरेक्टली आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और फिर ये सब काम करने लगे, तो फिर चीज़ तो आप सही लिख रहे हो लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। आप नेचुरल कॉजेज लिख सकते हो जिसमें आप मिलानकोविच साइकिल्स के बारे में या फिर अर्थ की सेंट्रिसिटी और ऑब्लिक्विटी और फिर सन स्पॉट साइकिल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हो 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स लेके। फिर एंथ्रोपोजेनिक लिखोगे तो उसमें एक एक सेक्टर लिख सकते हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर और एक लिख सकते हो कि अच्छा सोशियो कल्चरल रीजन की, हाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है, राइज इन पॉपुलेशन, और भी जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर करोगे तो वो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो स्ट्रक्चर करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात रही स्ट्रक्चरिंग की, और स्ट्रक्चरिंग अगर आपकी अच्छी है तो ऑन एन एवरेज हर सवाल पे आपको एक एक मार्क्स ज़्यादा मिल भी जाता है, राइट? जब आप स्टार्टिंग का जब आंसर राइटिंग करोगे उस समय जो आप स्ट्रक्चर लिखते थे, और जब तक एक साल आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद जो स्ट्रक्चर लिखोगे तो काफ़ी आपको डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट नजर आएगा, और उसमें ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन पे एक मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, उतना आपने इंप्रूवमेंट एक साल में तो डेफिनेटली कर ही लिया होगा। और उसके अलावा कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो अब ये जो कीवर्ड्स हैं क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज, समराइज, एलेबोरेट, तो इन सब का आपको डिक्शनरी वर्ड, मतलब डिक्शनरी वर्ड जो ये सब जो है, तो इनका डिक्शनरी मीनिंग आपको देखना होगा और उसके एंगल से आंसर करना होगा। ज़्यादा भी टीडियस काम नहीं है। आपको अगर लेट से समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज उसमें ज़्यादा डिफरेंस क्या है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, बस माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब एस्पेक्ट्स मैंने आपको कवर कर लिए हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आंसर राइटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी आपकी कहाँ से आ सकती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा इलेबोरेट वे में डिस्कस किया है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अभी भी डेफिनेटली, अब एक वीडियो में सारा एस्पेक्ट को क्लियर करना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली आप जो भी डाउट पूछोगे तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ एरियाज मेरे को मिलेगा, तो उस एरियाज को भी मैं फर्दर वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।